हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज एक विजिटिंग कार्ड से रंगोली डालने का टूल कैसे बनाया जाता है ये सीखेंगे। बहुत ही बढ़िया टूल है, बहुत ही सस्ता में बनता है और एक टूल से हम तीन वर्क कर सकते हैं। जैसे हम डॉट भी बना सकते हैं, लाइनिंग भी खींच सकते हैं और इसमें कुछ राइटिंग करना है तो राइटिंग करने के लिए भी बहुत बढ़िया टूल है। तो कैसे बनाते हैं, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी विजिटिंग कार्ड लेना है, विजिटिंग कार्ड एक ही शेप में आता है, आप कोई भी कहीं से भी विजिटिंग कार्ड लीजिए एक, और उनको इस प्रकार फोल्ड कीजिए, मतलब कोन बनाना है। इस प्रकार कोन बना के जो सेलो टेप है, आप सेलो टेप से उनको चिपकाना है इसमें, जिसे जहां जितना भाग अपने को फोल्ड किए वो पूरे भाग को सेलो टेप से चिपकाना है ताकि वो ना खुले। अब चाहे तो पूरा लपेट सकते हो, क्योंकि कागज या टूटने का डर है। यदि हम सेलो टेप से पूरा जगह पैक कर देंगे तो ज्यादा दिन टिकेगा। तो ये जो अंदर का भाग है जो हमने फोल्ड किया, तो अंदर के जो भाग है उसको भी अपने को सेलो टेप से चिपकाना है ताकि जो रंगोली है उसके अंदर से ना जाए। ये बन गया बेसिक टूल। अब जो पीछे के तरफ से कैंची से काटना है, अपने को कितना गैप होना, कितना मोटा छेद होना, उस प्रकार से अपने को काटना है। ये डिपेंड करता है कि अपने पास जो रंगोली है वो कैसा है और ये जितना छेद हमने किए वो रंगोली निकलेगा कि नहीं। चलो एक बार ट्राई करते हैं। जैसे ये रंगोली लिया मेरे पास का, जो सफ़ेद कलर का रंगोली है, देखिए ये बराबर नीचे आ रहे रंगोली, मतलब ये जो टूल बनाया मैंने ये वर्क कर रहे, मतलब जितना हमने बीच नीचे से काटे और छेद किए तो इतना छेद में हमारा जो टूल बनाया हमने ये वर्क करेगा। चलो आगे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे कि ये टूल से हम कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। एक डेमो दूंगा आपको, ये टूल कैसा वर्क करता है, किस प्रकार से वर्क करना है इसमें। तो ये कैसा हमने गोल शेप बनाए, रेड कलर डाले, रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिलाए और इस प्रकार से राउंड किया, थोड़ा अंदर कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर, फिर ये जो हमने रेड कलर बनाए थे हल्का उसमें और थोड़ा सा ऐड करेंगे तो थोड़ा सा और डार्क होगा, और फिर आउटर सरफेस में ये जो डार्क है वो डाल देंगे। फिर से टूल को रखना है और फिर आजू बाजू जो भी रंगोली है उसको एक सॉफ्ट कपड़े से निकाल देना है। तो इसलिए एक सुंदर से एक टेक्चर मिलता है, शेडो मिलता है और एक नीट एंड क्लीन एक अपने को राउंड मिलता है। तो बीच में और एक दे अपने को राउंड बनाना है कुछ, तो एक सिर्फ एक शेप के लिए दबाया हमने। तो ये हमारा जो टूल है विजिटिंग कार्ड का टूल। चलो हम वर्क करके देखते कैसा वर्क करता है। बस रंगोली को उठाना है, समझो यदि नहीं भी गिर रहे थोड़ा सा झटका मारिए उंगली से तो वो गिरेगा। जैसे गिर रहे जैसे जितना अपने को डालना है उतना छोड़ना है, फिर से उंगली से बंद करना है, बस वही छोड़ना है जितना अपने को चाहिए, फिर नहीं चाहिए जब वो बंद करना है। तो मैं थोड़ा साइड एंगल से भी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए जिससे अपने को जितना चाहिए उतना छोड़ना है और फिर से उंगली से बंद कर देना है। जितना अपने को डॉट लगेगा, छोटा चाहिए तो कम डालिए, यदि बड़ा डॉट चाहिए तो ज़्यादा नीचे आने दीजिए रंगोली को, तो बड़ा डॉट बनेगा। तो हम कितना छोड़ रहे हैं और कितना बंद कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो डॉट छोटा हो रहे हैं बड़ा हो रहे हैं। तो एकदम आसान है और बढ़िया सा वर्क करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक सुंदर सा जैसे संस्कार भारती के रंगोली बनाते हैं, तो इसमें छोटा सा एक डेमो दे रहा हूँ मैं। जैसे हमने यहाँ पर डॉट बना दिए, ये डॉट बनाने का भी लाइनिंग कैसा खींचते हैं, बस अपने को चाहिए छोड़ते जाना है उंगली और डिजाइन बनाना है, जहाँ पे अपने को एंड करना है वहाँ पर बंद करना है उंगली। तो इस प्रकार राउंड को घुमाए तो ये भी सुंदर सा लाइनिंग बनता है। ये जो हम संस्कार भारती रंगोली बनाते हैं उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब घर में जरूर बनाइए ये टूल को। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद।
और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के सुंदर सुंदर डिज़ाइन, सुंदर सुंदर टिप्स ट्रिक्स, रंगोली का शेडिंग बहुत सारे प्रकार लेके आता हूँ आपके और आपके हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी टिप्स लाता हूँ मैं। तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाइए। वीडियो कैसा लगता है आपको, आप जरूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आता है कुछ वीडियो के नीचे, जरूर कमेंट्स कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।